हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। इसके बिना पूरी नहीं आपकी तैयारी, टेस्ट सीरीज फॉर नीट एंड जी मेन्स 2024 स्टार्टिंग फ्रॉम 17 सितंबर, अपराजिता विद्याकुंज, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट, दरभंगा। फॉर डिटेल्स कॉल और कॉन्टैक्ट ऑफिस। शहर दरभंगा से थोड़ी ही दूर पर लीजिए आउटिंग का मजा, स्पार्कीज रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल, स्वीट्स एंड बेकरी विद किड्स प्लेटोरियम, सीसो चौक से पहले, मब्बी कमतौल रोड, दरभंगा। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज, दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। सारी हाउस दरभंगा, अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें, लहरिया सराय, दरभंगा। दिन दहाड़े हथियार के बल पर युवक से आभूषण दुकान से 8 किलो आभूषण की हुई लूट, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में लुटेरों ने दिन दहाड़े गन पॉइंट पर एक ज्वेलरी शॉप से 8 किलो चांदी लूट ली है। लूट की घटना को अंजाम देने आए बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी को बंदूक के बट से मारकर जख्मी कर दिया। घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के मथुरा बेदाम चौक की है। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक बाइक पर सवार होकर 2 की संख्या में लुटेरे पहुंचे थे। एक लुटेरा हथियार से लैस होकर ज्वेलरी दुकान के अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि दुकानदार ने जब विरोध करना चाहा तो बदमाशों ने बंदूक के बट से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। जख्मी करने के बाद तिजोरी से 8 किलो चांदी से भरे बैग लेकर बदमाश भाग निकले। स्वर्ण व्यवसायी संजीत कुमार ने बताया कि अपाची बाइक से 2 की संख्या में लुटेरे पहुंचे। इसके बाद दुकान में दाखिल हुए और तिजोरी से बैग लेकर भागने की कोशिश करने लगे। इस पर उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो हथियार से मारकर जख्मी कर दिया। चोट लगने के बाद वह गिर गए। इसके बाद बदमाश बैग लेकर भाग गए। हालांकि सोना नहीं ले जा सके बदमाश, सोना बच गया। 8 किलो चांदी लेकर हालांकि वो भागने में कामयाब रहे।